माफिया एनआरओ चाहता है, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में खिताब, कहा लंदन भागे हुए बड़े बड़े पंजाब के सियासतदान आके कहते थे किधर है नया पख्तूनख्वा, फिक्र ना करें सब दुम दबाकर भागने वालों को वापस लाएंगे। मुझे तब भी मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहां से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज्यादा देर नहीं बचेगी इंशाल्लाह, इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करें। हम पूरे एतमान हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा मसले फलस्तीन के हल में किरदार अदा करे, इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, कहा अवाम वीटो पावर को वीटो कर दे। शाह महमूद कुरैशी तुर्क वजीर खारजा के हमरा न्यूयॉर्क रवाना हो गए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी, 825 मिनट में 122 बम गिराए, सहाफी समेत 4 फलस्तीनी शहीद, 10 रोज में 63 बच्चों समेत 220 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 1500 से ज्यादा जख्मी हैं। मेरे हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी, उन पे दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। ग्रुप बंदी भी और पार्टी का हिस्सा होने का ऐलान भी, जहांगीर तरीन कहते हैं ग्रुप कल नहीं बना, 3 माह से बना हुआ है। पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का शिकवा, बोले मसला पंजाब असेंबली में उठाएंगे। इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, हर पार्टी में धड़े होते हैं, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी का हिस्सा है। मुल्क में कोरोना के बाढ़ जारी, 24 घंटे में 104 अफराद जान से गए, 3256 नए केसेस रिपोर्ट, सबसे ज्यादा 63 अमवात पंजाब से रिपोर्ट हुई। असद उमर कहते हैं वैक्सीन के अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए, तमाम वैक्सीन महफूज हैं, 46 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके, बंदिशों में नरमी कर रहे हैं, ऐसा ना हो सब चीजें एक साथ खुलने से सब कुछ बंद करना पड़ जाए। और सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया सफरी हिदायतनामा जारी, 80% परवाजों पर मुसाफिर लेकर आने पर पाबंदी 15 जून तक बरकरार, एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। पेरू ने मुल्क से मुसाफिर लाने वाली परवाजें 20% तक महदूद, 30% इजाफी परवाजों को कार्गो लेकर आने की इजाजत।